ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा अप्लाई करना है हले? अच्छा, मैरिज नू हले महीना ही होया ते थोड़े जड़े मैडम उन्होंने करना है अप्लाई? मेन एप्लीकेंट कौन है? अच्छा, दोनों ही ग्रेजुएट है। ओके, ग्रेजुएशन कीती कदों है? कदों कदों कीती है? कदों कदों कीती है ग्रेजुएशन? तुसी कदों कीती है? उन्होंने कदों कीती है? ओके, अच्छा, दोनों जने जॉब कर दे हो? ओके, ठीक है। ग्रेजुएशन कादे कादे चे? अच्छा, ओ बीटेक आईटी ने ते तुसी बीटेक मैकेनिकल? ओके ओके, तो जाना ऑस्ट्रेलिया राइट? पहला कदे अप्लाई कीता किसे कंट्री? हाले फर्स्ट टाइम पूछ रहे ने। सो तुसी कुछ पूछना जी? आईलेट्स स्कोर तुहाडा की है? पीटी स्कोर की है? हेलो हेलो, हाँ जी जी प्रदीप जी, आईएलटीएस स्कोर दस दो या पीटी की कीता होया? मैम मेरे वाइफ ने कीती हुई है, उन्होंने ओवरऑल 6.5 में 6 सीट ले आईएलटीएस कीती है राइट? हाँ जी हाँ, मैं अभी कर रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। ऑलराइट, सो हायर एजुकेशन ले जाना चाहते हो? बिल्कुल अप्लाई हो जूगा, जा सकते हो। जे स्पाउस नू नाल लेके जाना तो फंडिंग स्ट्रोंग चाहिए है, थोड़ी फंडिंग नाल तुसी अप्लाई कर सकते हो अपने स्पाउस दा। बट जे थ्री फंड्स किन्ने चाहिए? फंड जेडे तुहाडे जेडे चाहिए हुंदे आ, जेडे एक नॉर्मल स्टूडेंट दी असी गल करदे आ 15 to 16 lakh दे, ओदे सानू फंड चाहिए हुंदे आ। कॉलेज दी आपां गल करदे आ, बट जदो यूनिवर्सिटी दे विच बच्चा अप्लाई करदा उत्थे फंड दी रिक्वायरमेंट वध जांदी आ। इस करके जेड़ा बच्चा अप्लाई कर रहा हुण असी 15 to 20 lakh कह के चलदे आ बच्चा, जे स्पाउस नाल अप्लाई कर रहा ते 10 lakh उहदा एड डाउन कर लो, 30 lakh दे घट्टो घट तुहानूं फंड चाहिए होणगे जे तुसीं विद स्पाउस अप्लाई करना है। इस करके असी सुजैसट भी करदे आ कि आफ्टर 3 months बाद तुसी अप्लाई कर लो, 3 महीने बाद, नाले तो तुहानू एक ईजी वे मिल जूगा कि तुसी अप्लाई करना। हुण जिहड़ा डिपेंडेंट वीजे ते अप्लाई तुसी जे नाल करदे हो, बाई द वे वीजा अफसर तुहानू दोनों नू रिफ्यूज़ कर सकदा कि तुहाडी कोई सैटलमेंट प्रोग्राम है उत्थे, तुसी उत्थे रहण दा। जदों कल्ला स्टूडेंट अप्लाई करदा इत्थों जा चुक्या हुंदा है, 3 महीने जां 6 महीने बाद ईजीली स्पाउस नू ओपन वर्क परमिट मिल जांदा है। एक फंड दी रिक्वायरमेंट भी फिर तुहानू 2 breaks च हो जांदी है कि जिहड़ा तुसी अपने स्पाउस लई शो कीता सी कल दे दिन उहनू ही तुसी यूटिलाइज़ कर सकदे हो। इह चीज़ां नू जिन्नी जिहड़ा नाल जाण वाला सिस्टम है, मेरे अकॉर्डिंगली मैं हमेशा जा सकदे हो, अप्लाई कर सकदे हो, ऑप्शन हैगी आ, बट मैं कदी भी सुजेस्ट नहीं करदी बच्चे नू कि नाल अप्लाई करो, नाल जाओ, बाद च अप्लाई करो। पहला मेन एप्लीकेंट दा सानू वीजा लै लेना चाहिदा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हरियाणा बोर्ड तो साढ़े तो जाली फंड तो काफ़ी खफा है, क्योंकि पिछे जे बहुत सारे बच्चों दवें मैनुपलेटर चीज़ा निकलिया। दूसरी गल है तुहाडी गैप जस्टिफिकेशन तुहाडे कोल हैगी आ, तुसी जल्दी ले अप्लाई कर लो, डिले ना करो। ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया डिकलेयर करते सी असी गैप जस्टिफिकेशन वाले भी बच्चे नहीं लैने, क्योंकि एक तो बाद एक ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिकनेस जी वधा रहा है। इसलिए मैं हर बच्चे ये सुजैसट कर रही हाँ कि अपना जल्दी अप्लाई कर लो, जे तुहाडा गैप जस्टिफिकेशन तुहाडे कोल हैगी आ, गैप पै गया है तो अप्लाई कर लो, डिले ना करो। खास करके 18-17 की गल कर रहे हैं, असं तो 20-21 वाले स्टूडेंट्स नू कह रहे हैं कि तुसी अप्लाई करो, डिले ना।